चुरू के सुजानगढ़ के तीन युवकों की जो कि रोमानिया में इस वक्त फंसे हुए हैं। दरअसल एक वीडियो भी जारी हुआ है और कुछ तस्वीरें उनकी आई हैं जहां पर वो शरणार्थी शिविर में मौजूद हैं और इनके बारे में जो जानकारी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि खाना इनको यहां पर जरूर मिल रहा है लेकिन कोशिशें हैं कि इनको कैसे भारत लाया जा सके, किस तरीके से इनको भारत में लाया जा सके। और चुरू के सुजानगढ़ से जो ये खबर आ रही है, जो तीन युवक हैं इनके बारे में जानकारी भी साझा करने की कोशिशें लगातार की जा रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ना ही परिजनों से इनको बात करने दी जा रही है और ना ही किसी भी तरीके से वतन वापसी की जो कोशिशों में ये लोग लगे हैं वो इन्हें इनिशिएट करने दिया जा रहा है, बल्कि वतन वापसी के लिए एजेंट 1,000 यूरो की मांग कर रहे हैं। तीनों ही युवकों के परिजनों ने फिलहाल विदेश मंत्री से इसमें इंटरवीन करने के लिए गुहार लगाई है। अभी वहाँ शरणार्थी है, वहाँ रोमानिया पुलिस के अंडर में है। कितने रुपए लिए गए और कौन से काम का लालच दिया गया? नहीं, काम तो मतलब ये वहाँ के जर्मनी में काम वर्क होटल में काम लगाने के लिए तीनों को। प्रति कैंडिडेट कितने रुपए लिए गए? 11-11 लाख रुपए लिए। अब सरकार से क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यह है कि हमारे बच्चे को यहाँ बुलाएं।